सवाल आपसे ये है खड़गे जी कि जो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, आज जब इलेक्शन शुरू हो चुका है और फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, तो आप क्या देख रहे हैं, उनको कितनी सीट्स आप दे रहे हैं? नहीं देखो, कोई पॉलिटिक्स में ऐसा गिनकर कहता नहीं, लेकिन वातावरण ये है कि उनसे ज्यादा सीटें हमको मिलेगी इस फर्स्ट फेज में, और सेकेंड फेज में भी जब 26 तारीख इलेक्शन होगा उसमें भी हमको ठीक ढंग से मिलने की पूरी आशा है। और इसीलिए तो मोदी जी घबराहट उनमें हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे केडर को, क्योंकि रिसोर्सेस की कमी रहने की वजह से हम अपने लोगों को ये कहा कि तुम डोर टू डोर कैंपेन करो और गारंटी कार्ड हर डोर को ले जाओ और हर जगह 1-to-1 मिलो। ये सारी चीज़ें हमने वक्त के लिहाज से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो बूथ एजेंट्स है और पोलिंग एजेंट्स है और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनको सब हम अलर्ट किए हैं। तो कैंपेन में आप कहाँ पे खड़े हैं? अगर बीजेपी के साथ कंपेयर किया जाए तो बीजेपी अगर 100 पे है तो कांग्रेस या ऑपोजिशन कहाँ पर खड़ी है? अब देखिए, हम कहाँ पर खड़े हैं, मैं एक ही उत्तर आपको देना चाहता हूँ। हम उस जगह खड़े हैं जिस जगह हम बीजेपी को हरा सकते हैं और उनको जीत से दूर रखते हैं, और मोदी जी को इस बार जो उन्होंने कहा है वो मिलने वाला नहीं है वो संख्या। तो हमारे पास संख्या बल ये होगी कि मोदी को सत्ता में आने से रोकने के नंबर्स हमारे पास आएंगे, तो उसलिए हम उसमें ये है कि उस तरीके से हम काम कर रहे हैं।